दोस्तों, इन दिनों दिवाली और गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल आने वाला है और इस सीजन आप दिवाली और गणेश चतुर्थी को टारगेट करते हुए अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो। अगर आप गांव में छोटी सी दुकान लगाकर रहते हो या फिर अगर आप शहर में कुछ छोटा मोटा काम धंधा करते हो, तो ये आइडियाज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इन आइडियाज को अगर आप अपने बिजनेस में इंक्रीमेंट करते हो, अपने बिजनेस में ऐड करते हो, तो इस सीजन आपको काफी अच्छी कमाई होने वाली है। आइडियाज और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस सीजन दोस्तों आप देख रहे होंगे गणेश चतुर्थी आने वाली हो। इस सीजन ही नहीं दोस्तों, आने वाले टाइम पर गणेश जी की जो भी प्रतिमाएं हैं, जो भी गणेश जी का सीजन चलता है, यानी कि अब से 1 से 2 महीने तक गणेश चतुर्थी, दिवाली, नवरात्रि और साथ के साथ अभी रिसेंटली जन्माष्टमी निकली है, तो इन सीजन को टारगेट करते हुए आप अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अच्छी खासी तगड़ी कमाई कर सकते हो। तो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सबसे पहले बिजनेस आइडिया की बात करता हूँ। सबसे पहले आ रहा है गणेश चतुर्थी। तो इस सीजन आप गणेश चतुर्थी, अगर आप गणेश चतुर्थी को टारगेट करते हो, तो इस सीजन आप काफी अच्छे तरीके से लगभग अच्छी मोटी कमाई इसमें जनरेट कर सकते हो, अच्छी मोटी कमाई आप कमा सकते हो। तो आप गांव में या फिर सिटी में अगर छोटी सी कोई सी दुकान लगाते हो, तो उसमें आप गणेश जी की प्रतिमाएं बेच सकते हो। गणेश जी की प्रतिमाएं आजकल आपने देखा होगा, हैंडमेड गणेश जी का चलन काफी ज्यादा हो चुका है। गणेश जी की जो क्ले आती है, क्ले की जो मूर्ति आती है, वो काफी ज्यादा मार्केट में बिकती है, क्योंकि इस सीजन में आप जैसे देख रहे होंगे, आज से 2 से 3 साल पहले पीओपी की मूर्ति बिकती थी, लेकिन अब पीओपी पे धीरे धीरे प्रतिबंध लगना शुरू हो चुका है। लोगों की मानसिकता भी चेंज हो चुकी है कि हम मिट्टी की ही मूर्ति लाएं और मिट्टी की ही मूर्ति लाने के साथ साथ उसको जो है विसर्जन करें, ताकि वो मिट्टी की मूर्ति जो है जल्दी से पिघल जाए और पिघलने के साथ साथ वो कोई भी प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए। इसी सीजन को देखते हुए आप मिट्टी के गणेश जी ला सकते हो। आपको काफी सारे यहाँ पर सेलर्स मिल जाएंगे जो कि मिट्टी के गणेश जी होलसेल रेट में प्रोवाइड कर देते हैं। ये मिट्टी के गणेश जी आपको 200 से 300 रुपए में ही मिल जाएंगे, जो कि मार्केट में आसानी से आप इसको 800 से 1000 रुपए में दिवाली और सॉरी गणेश चतुर्थी के सीजन में आप इसे आसानी से बेच सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों गणेश जी से रिलेटेड आप यहाँ पर उनकी पूजन सामग्री बेच सकते हो, गणेश जी की मूर्तियां बेच सकते हो, लाइटिंग बेच सकते हो, डेकोरेशन के आइटम बेच सकते हो। इस गणेश चतुर्थी को अगर आप टारगेट करोगे, तो गणेश चतुर्थी को टारगेट करने के साथ साथ आप इससे इस सीजन में गणेश चतुर्थी से आसानी से अच्छा खासा पैसा निकाल लोगे। पहला तो है दोस्तों, आप मूर्ति वगैरह सेल कर सकते हो, जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी है आपको मिट्टी की मूर्तियां। सेकंड प्रायोरिटी आपको पीओपी वगैरह की मूर्तियां भी काफी आसानी से आसपास के जो भी आपका एरिया है उस पर बनाने वाले मिल जाएंगे। वो होलसेल रेट में आपको छोटी छोटी मूर्तियां दे देंगे, जिसमें 100 से 150 रुपए में आपको मूर्ति मिल जाएगी और उसको आप मार्केट में 500 से 600 रुपए में आसानी से बेच सकते हो। बड़ी बड़ी सिटी में दोस्तों जो है मूर्तियों का इतना ज्यादा ट्रेंड रहता है, और खासकर आजकल गांव से ज्यादा, गांव में इस चीज का प्रचलन नहीं है, लेकिन हर एक सिटी में आज आप देख रहे होंगे गणेश जी की जो प्रतिमा है वो स्थापित की जाती है घर घर में, और उसको विसर्जन करने के लिए यहाँ पर पास के ही जो भी वहां पर तालाब रहता है, जो भी नदी रहती है, वहां पर लेकर जाया जाता है। धूमधाम से 8 से 10 दिन तक वो खर्चा करते हैं। तो इस खर्चे को देखते हुए, यानी कि इस सीजन को देखते हुए, आप अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, गणेश जी की प्रतिमा वगैरह सेल कर सकते हो। दूसरा दोस्तों सीजन आ रहा है नवरात्रि का। इस नवरात्रि अगर आप अच्छे खासा बिजनेस से अर्निंग निकालना चाहते हो, तो नवरात्रि का भी काफी अच्छा ऑप्शन है। नवरात्रि में आप माता की मूर्तियां बेच सकते हो, माता की दोस्तों आप चुंदड़ी वगैरह बेच सकते हो, और माता के आप उसमें काजल टीकी जो भी पूजन सामग्री होती है वो बेच सकते हो। 9 दिन तक ये चलता है। 9 दिन तक आप गरबा का आइटम भी बेच सकते हो, चनिया चोली भी बेच सकते हो। अगर आप गुजरात वगैरह देखोगे, तो वहां पर चनिया चोली और गरबा डांडिया का इतना ज्यादा ट्रेंड है कि वहां पर पूरा लगभग गुजरात अहमदाबाद सजा रहता है, और हर घर में डांडिया पंखेड़ा खेले जाते हैं। तो इस नवरात्रि के सीजन को भी आप अच्छे से टारगेट कर कर अच्छी कमाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आ जाता है दिवाली। दिवाली का सीजन आ जाता है। दिवाली के सीजन में भी आप अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। इसमें आप पूजन वगैरह सामग्री बेच सकते हो, मिठाइयों का व्यापार स्टार्ट कर सकते हो। तो छोटे से लेवल से अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो छोटे से लेवल से आप पूजन सामग्री वगैरह स्टार्ट कर सकते हो दिवाली के सीजन में। या फिर दोस्तों आप हैंडमेड आइटम भी बेच सकते हो, क्राफ्ट वगैरह खरीद कर आप बेच सकते हो, पटाखे की शॉप आप स्टार्ट कर सकते हो।
और भी काफी सारे आइडियाज मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। और आई होप दोस्तों आपको ये छोटे से आइडियाज अच्छे लगे होंगे। अगर फिर भी इनमें कुछ आपको पूछना हो, कुछ डाउट हो, या फिर डेडिकेटेड वीडियो सीरीज आपके लिए चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। उसके ऊपर डेडिकेटेड सीरीज मैं स्टार्ट कर दूंगा कि किस तरीके से आपको कहाँ से पटाखे लेने, कहाँ से आप होलसेल रेट में कहाँ से आइटम खरीदोगे और उसको आप अच्छे तरीके से मार्केट में बेच सकते हो। दिवाली का सीजन ऐसा रहता है जिसमें आप कम से भी कम 2500 से 3000 करोड़ की यहाँ पर दोस्तों जो है इंडिया, मतलब जो इकोनॉमिक है वो बना लेता है। यहाँ पर बिलियन डॉलर्स में अगर बाहर के सिटीज को कन्वर्ट किया जाए तो यहाँ से 55 से 60,000 बिलियन डॉलर यानी बिलियन रुपए का यहाँ पर इंडिया इस सीजन में व्यापार कर लेता है। तो आने वाले टाइम पर ये 2 से 3 महीने फेस्टिवल सीजन के आने वाले, इन फेस्टिवल सीजन को आप टारगेट कर अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी तरह बिजनेस आइडियाज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।